नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, भागलपुर में ताबड़तोड़ चली गोली। जी हां, आपको बता दें एक साथ 5 राउंड गोलियां चली हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर चौक के समीप एक युवक ने मुर्गा व्यवसायी के ऊपर ताबड़तोड़ 5 गोली फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जाता है कि घरेलू विवाद को लेकर उक्त युवक ने जान से मारने की मंशा से अपने पिता के ऊपर ही फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत यह रही कि गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक अपराधी मौके से फरार हो चुका था, जिसके बाद उक्त युवक के परिजन भी दुकान पर पहुंचे और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्तौल समेत 3 खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कुमार सिंह, क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम यहाँ जो है आके सुबह सुबह नहा धो के झाड़ू मार रहे थे। झाड़ू अभी नीचे में रख ले है। यहाँ आया मोटरसाइकिल लेके 2-3 सवारी, और हम झाड़ू जैसे मार रहे थे तैसे जो है फटाफट जो है ना 3-4 गोली फायर कर दिया। किसके ऊपर? हमरे ऊपर जब फायर कर दिया, काउंटर हमको बचा लिया, फायर तो ही कर दिया। दूसरा गोली मारा तो हम खड़ा हो गए। हम सोचे हमको गोली लग जाएगा। तीसरा गोली जैसे मरा, हम नीचे बैठ गए। अब बैठ गया रगेत के, इसको मौसी क्लास का लग पकड़े जाते। इसको पहचानते हैं आप? हाँ। कहाँ का? अलीगंज। हाँ, हमारा लड़का है। आप ही का लड़का? हमारा लड़का है। आप ही के ऊपर? हमरे ऊपर की बात को मार दे। जो वो दोनों था वो चलाया, हम जिनको लगा था। अच्छा, कौन है वो दोनों? वो दोनों कौन है? अब पूछिए ना, वो दोनों कौन है? हम नहीं चिन्हते हैं वो दोनों, हम उसका भी नहीं। अच्छा, इसके पास पिस्टल कहाँ से है? आप उनके पिता है? हम नहीं जानते हैं, ऐसे रंगबाजी करता है। हम इसको जो है त्याग दिए हैं। जेल जाएगा तो कोई आपत्ति? दूसरा मौगी बाल बच्चा के चक्कर में अपना बीवी बाल बच्चा का जमीन बेच दिए आप। R9 भारत के लिए नीलांबुज कुमार झा, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।